कि रात में काम करना चाहिए या दिन में काम करना चाहिए। ठीक है, काम करने आपको है अपनी एक सोच। आज के एक नए टॉपिक वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अभी आप जैसे देख सकते हो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, स्टॉप कैलाश, मतलब जीके की मार्केट, ग्रेटर कैलाश की तरफ। ठीक है, कैलाश मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे खड़ा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अपनी सजेशन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, है ना। सजेशन शेयर करता हूँ कि भाई कितना काम होता है, क्या नहीं होता है, क्या है। तो दोस्तों देखिए, मैं जैसे बताता हूँ रात में काम करने का क्या फ़र्क पड़ता है और दिन में काम करने का क्या फ़र्क पड़ता है। रात में कितना काम हो जाता है, अभी ठंडी की मार्केट है और ठीक ठाक काम निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता है। तो आप लोग भी सोचिए, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, रात को काम होता है नहीं होता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, इसकी वजह मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्राइब से ही मोटिवेट हम लोग को मिलता है ना। तो अभी फ़िलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, रात में काम करने का ये बेनिफिट है कि हम जैसे आप एक समझ लो, ठंडी भी लग रही है तो अभी गाड़ी में अंदर चलेंगे, रेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में भी मिल गया होगा कि काफ़ी सारे मतलब टाइमिंग से मैं कितना क्या शेड्यूल में, क्योंकि सारी चीज़ में बताऊंगा तो आपको फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। जैसे देखो, दिन में ट्रैफिक आपको बहुत झेलना पड़ता है ना, दिन में ट्रैफिक झेलना पड़ता है, पर पैसे भी अपने फोटो के रेट के मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी मिलता है। लेकिन दिन में काम करने के ये फायदे हैं कि आपका दिन दिन में आप काम करके अपने घर निकल जाते हो और दिन दिन में सब कुछ हो जाता है दोस्तों। लेकिन रात में काम करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है ये भी बताता हूँ आपको। रात में काम करने के फायदे ये, ट्रैफिक से फ्री रहते हो आप, है ना, और रात में अनसेफ भी महसूस होता है क्योंकि सुनसान चौपट नगरी राजा होता है। तो इसलिए रात में काम करना है, दिन में काम करना है, ये आपको डिसाइड करना है ना। कोई भाई आपको सजेशन दे सकता है, ना कि आपके साथ मिल बैठ के काम करवा सकता है। तो आप लोग, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने टाइमिंग को सेट करें, एक गोल को सेट करें, आपको रात में कितना काम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए शाम को पिक टाइम में निकलिए, 4-5 बजे, मतलब 4 बजे के 3 बजे से निकल जाइए आप। ठीक है, 3 बजे से निकलेंगे तो आपका क्या होगा, 3 बजे से मतलब बॉडी आपका फिट रहेगा। जब फिट रहेगा आपकी बॉडी तो आप काम करने के लिए पूरी एनर्जी के साथ निकलेंगे। जब एनर्जी के साथ काम करने निकलेंगे तो भाई आपका काम भी अच्छा होगा और बॉडी भी थका हुआ नहीं रहेगा। अगर जो भाई दिन में 12-1 बजे, 10 बजे, 11 बजे निकलता है और पूरे दिन ट्रैफिक में फंसता है, तो होता क्या है कि उनको मतलब ट्रैफिक में फंसा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, अपना थकावट से हो जाता है। तो थकावट होने की वजह से फिर आप काम नहीं कर पाते हो। जब काम नहीं कर पाओगे तो भाई नुकसान होगा ना अपने जेब से। तो मैं तो यही कहूँगा, या तो सुबह 4 बजे निकलो, जो 11-12 बजे तक काम करके आप आराम से 1500 से 2000 रुपये का आपकी बिलिंग बन जाएगी। मैं प्रॉफिट नहीं बता रहा हूँ, सुन लो, मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, बिलिंग बन जाएगी आपकी। और रात में शाम के टाइम 4 बजे से लेकर रात को आप 10 बजे तक करो ना भाई, मैं लिख के देता हूँ, चैलेंज करता हूँ आप लोगों के साथ। मैंने भी काम किया और इससे पहले भी आपने देखा होगा मेरी कई सारे ब्लॉग में, मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ आप लोगों को मैंने जो काम करता हूँ। कोई भाई को ऐसा नहीं लगे कि मैं झूठी वीडियो बना के झूठी गुमराह कर रहा हूँ लोगों को, जो प्रूफ होता है वो दिखाता हूँ। चाहे रैपिडो में काम करता हूँ, ओला में करता हूँ, ओला तो खैर मेरा बंद है, उबर में करता हूँ और इन ड्राइव में करता हूँ। इन ड्राइव में बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, आप लोगों को पता है, इन ड्राइव जब भी मैं इस्तेमाल करता हूँ कहीं फंसा होता हूँ या कोई अच्छे रेट की ड्यूटी आ जाता है, इन द सेंस मैं करता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, इन ड्राइव बहुत ही कचरा कचरा बना दिया हुआ है, बहुत ही घटिया रेट देता है, बहुत ही सब कुछ। तो इसीलिए मैं, कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा पीछे इसलिए देख रहा था, डर लग रहा था, पता नहीं तीन परछाई कैसे हो गई मेरी, वो लाइट है ना तीनों तरफ चारों तरफ से, तो इसलिए हो जाती है, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग सजेशन करूँगा कि आप लोग भी अपने हिसाब से एक टाइम सेट कीजिए। आपको आप कंफर्ट है कि रात में गाड़ी चलाते हैं, तो भाई रात में अगर 10 रुपये भी किलोमीटर आपको मिल रहा है ना, तो भाई मैं कहता हूँ कि आपकी गाड़ी के एवरेज निकल जाएगी, क्योंकि मतलब रात में ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, रात में अनसेफ भी महसूस होगा आपका, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। और कुछ एरिया को चिन्हित करके रखना है जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए, लाइक
मैंने बहुत सारे जैसे गुड़गांव के अंदर हो गया, पड़ोसी एरिया हो गया अपना, जाफराबाद हो गया, आपने देखा होगा पीछे एक ड्राइवर भाइयों के साथ सीन हो गया था, उनके साथ समझ जाइए क्या हुआ था। मैं बोल नहीं सकता, यूट्यूब की प्राइवेसी एक कम्युनिकेटिव गाइडलाइन आ सकता है, इसलिए नहीं बोल सकता वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें होती है, तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी सोच समझ के एक अपनी जगह को चिन्हित कीजिए। क्योंकि मैं कल की बात है, मैं ब्रह्मपुरी गया था, ब्रह्मपुरी सादरा में पड़ता है, मुस्ताफाबाद के पीछे खजूरी के पास, वहाँ पे गया था भाई, इतना ट्रैफिक फंसा, पूरा मुस्लिम एरिया है, मतलब मोहनम एरिया है, लेकिन भाई पूरा नहीं बोल सकते, कुछ गली है या रोड बोला जाए एडिशनल, तो उसी में इतना बुरा हाल हो गया कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ वाला कहानी, मतलब हॉर्न मारते भाई हटते ही नहीं है कोई यार, इतना अपना आपको एक अपसेट लगता है भाई। दिक्कत किनको है, दिक्कत उन्हीं लोग को है ना, दोबारा आप कैब बुलाओगे नहीं आएगा ना वहाँ पे कैब, चाहे मैं हूँ या कोई भी बंदा, कैब लेके नहीं आएगा जल्दी, समझ रहे हो ना। तो अपने दुख भी जाहिर करना चाहिए, जब खुशी होता है तो खुशी भी जाहिर करना चाहिए हमेशा इंसान को, ना कि खाली दुखी दुख जाहिर करना चाहिए, इससे क्या होता है ना हमारे ऑडियंस नेगेटिव चला जाता है। तो यही मेरा टॉपिक था दोस्तों आपको, कि रात में काम करना चाहिए या दिन में काम करना चाहिए, ठीक है, काम करने आपको है, अपनी एक सोच और एक गोल को आपको बनाना पड़ेगा, जब तक आप गोल और सोच नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा, गाड़ी की EMI भी नहीं निकल पाएगी, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ें को सोचिए, विचारिए और काम कीजिए। रात में भी काम करेंगे तो 2500 से 3000, ठीक है, दिन में भी काम करेंगे तो 2500 से 3000, फ़र्क बस दोनों का कंपेयर करना आपको कितना बचेगा और कितना आपको किसमें ज़्यादा बेनिफिट है ना दोस्तों। क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि किसी की भला हो जाए यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आखिरी बार आपसे और कहूँगा कि आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम देखे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, 5000 फैमिली के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, यूट्यूब फैमिली पे, और पेज पे देख रहे हो फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना दोस्तों, क्योंकि हम लोग स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रिप्टेड आपको दिख रहा है कहीं, ये इस रोड पे स्क्रिप्टेड दिखता तो बताते ना, स्क्रिप्टेड वीडियो ही नहीं बनाते भाई हम लोग बनाते हैं फुल इन्फॉर्मेशन वाली, जो हमें नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कल हापुड़ पहुँच के।